अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, स्पेशली बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं एज पर वुमेन बटालियन पैटर्न। जिस हिसाब से वुमेन बटालियन का एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न से यहां पे जो है ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सारा का सारा पोर्शन मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो आप यहां पे अपने आप को परख सकते हो, यहां पे देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से जा रही है, किस तरह से जा रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की, तो उनकी प्रिपरेशन चल रही है, उनका एग्जाम जल्दी होने वाला है। इस वीडियो से उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, वो अपने आप को परख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन परख सकते हैं कि किस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन जा रही है। तो यहां पे आज के इस वीडियो में मैंने सारा का सारा पोर्शन इंक्लूड किया है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सारा का सारा पोर्शन इसमें इंक्लूड रहेगा। इसमें हम टोटल 95 एमसीक्यू करेंगे और आप लोगों को मैं टारगेट देता हूं बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स को करना है। उतना हार्ड लेवल का यहां पे मैंने नहीं रखा है, आपको जो है टारगेट अपना बनाना है 75 आप में से जो है 75 प्लस आपको इस पेपर में से लाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल लेवल का मैंने जो है पैटर्न रखा है, फिर भी यहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये मैं जो है आपको 75 का टारगेट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो है कंसंट्रेशन के साथ अच्छी तरह से जो है यहां पे अपने आप को अटेंशन में ला सको। ये जरूरी नहीं है कि यहां पे आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो उसी हिसाब से ये नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने आपको परखने के लिए, अगर इससे कम आपका स्कोर आता है तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन कोशिश करना कि 75 प्लस आप अपना स्कोर यहां से लेके चलो। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पे आपके पास चार ऑप्शन है, 10th जैन, 15th नवंबर, 20 अप्रैल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे जो ए पार्ट कह रहे हैं, 10 जैन जो कह रहे हैं, 10 जनवरी जो कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन द दिसंबर 2022। तो पहली बार ये रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है, ठीक है ना। तो कहां पे ये खेली जा रही है ये आपको बताना है, और साथ साथ ये नोट डाउन कर लेना कि ये दिसंबर 2022 में खेली जाएगी। लेकिन कहां पे खेली जाएगी, आसाम, सिक्किम, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, सिक्किम में खेली जाएगी, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गैंगटोक। क्या ये सही है, गैंगटोक की कैपिटल सिक्किम है कि नहीं है, ये आपको बताना है, यस या नो। बिल्कुल जो यस कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि गैंगटोक की अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल क्या, सॉरी कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गैंगटोक, सिक्किम की अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल क्या है, गैंगटोक है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, रणजीत ट्रॉफी इज फाउंडेड इन। तो रणजीत ट्रॉफी, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है, 1953, 1756, 1934 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे जितने भी लोग सी पार्ट पे टिक कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1934 हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंडिजिनस वैक्सीन हैज बीन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी लिम्फी सिकिन डिजीज फॉर। देखिए यहां पे विच नहीं होना चाहिए, यहां पे इंडिजिनस वैक्सीन हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी लिम्फी सिकिन डिजीज फॉर। यहां पे क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, लिखने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है। तो रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लिम्फी सिकिन डिजीज के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है ना। ये जो लिम्फी सिकिन डिजीज है इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। आपको बताना कि वो वैक्सीन किन के लिए बनाई गई है, क्या वो ह्यूमेंस के लिए बनाई गई है, बर्ड्स के लिए बनाई गई है, कैटल्स के लिए बनाई गई है, नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो वैक्सीन बनाई गई किस डिजीज के लिए, लिम्फी सिकिन डिजीज के लिए, ये कैटल्स के लिए बनाई गई, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस की गई, ठीक है ना। इसकी अनाउंसमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंटली की गई, ये नोट अच्छी तरह से कर लेना, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जहन में रख लेना, ठीक है ना। रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि भारत के द्वारा जो है लिम्फी सिकिन डिजीज के लिए, जो कि कैटल्स में देखने को मिली है, इनके लिए जो है वैक्सीन बनाई गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द ऑनलाइन पोर्टल MRSSA। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल है MRSSA, ये किसके द्वारा जो यहां पे
जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, ऑनलाइन पोर्टल MRSSA किस स्टेट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, मेघालय, आसाम या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे जितने भी लोग मध्य प्रदेश बी पार्ट मार्क कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रिसेंटली वॉन एशिया कप 2022? चलिए बताइए, ये सब लोग आंसर कर देंगे, सबको पता होगा, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं किसके द्वारा जीता गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान या नन ऑफ दीज, तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया। और ये जो एशिया कप 2022 इसका फाइनल जो था इंडिया, सॉरी पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में था, जिसमें श्रीलंका ने आई थिंक 23 रनों से जीता था। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? इनमें से आपको बताना है कि पहला कश्मीरी हिस्टोरियन कौन है, कल्हना, गुलाब सिंह, करण सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं, कल्हना जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कंप्लेनेड डैश डैश हिज क्लासमेट, तो यहां पे ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, आपको बताना है कि यहां पे सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा। ही कंप्लेनेड फ्रॉम हिज क्लासमेट, ऑफ हिज क्लासमेट, अगेनेस्ट हिज क्लासमेट या नन ऑफ दिस। तो यहां पे कंप्लेंट, ठीक है ना, शिकायत दर्ज की गई है, तो ये अगेनेस्ट आएगा, दैट मीन ही कंप्लेनेड अगेनेस्ट हिज क्लासमेट, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी, आपको बताना है कि इनमें से शाहमीर डायनेस्टी का ग्रेट रूलर किसे कंसिडर किया जाता है, कल्हना, परवा गुप्ता, बडशाह या नन ऑफ दीज। तो यहां ऑप्शंस के मुताबिक सी पार्ट बडशाह हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ डैश इज नोन एज हजरत सुल्तानुल आरिफीन इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ कश्मीर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइम डैश डैश योर वॉच, तो यहां पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा, व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या व्हाट इज द टाइम टू योर वॉच। तो यहां पे बाय से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, दैट मीन व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गोल फुटबॉल बास्केट किसके बराबर आएगा, यहां पर रिलेशन आपको समझनी है। देखिए गोल का संबंध किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है, ठीक है ना, क्योंकि फुटबॉल में ही गोल होता है। और बास्केट का संबंध किसके साथ है, पोलो, क्रिकेट, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। सीधी सी बात है, बास्केट का संबंध बास्केटबॉल के साथ ही है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन था, गुलाब सिंह, मेहरचंद महाजन, हरी सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, गुलाब सिंह, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे नोज, फेस, फिंगर, दोबारा से रिलेशन को पहचानने की कोशिश करो। नोज कहां पे होती है, चेहरे पे होती है। फिंगर कहां पे होती है, हथेली में होती है, बॉडी पे होती है, हाथ में होती है या बाजू पे होती है। तो सीधी सी बात है, एक्यूरेट यहां पे सोचने की कोशिश करो। नोज जब फेस पे होती है, फिंगर कहां पे होती है, हाथ में होती है, दैट मीन हैंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द टाइटल ऑफ फतेह शिवजी, तो ये टाइटल किसको मिला है, फतेह शिवजी का टाइटल किसको मिला है। यहां आपके पास चार ऑप्शन है, पंडित प्रेमनाथ, गुलाब सिंह, बसंत राम मेहता या नन ऑफ दीज। तो यहां पे फतेह शिवजी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये जो टाइटल है किसको मिला है, बसंत राम मेहता को मिला है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आल्सो नोन एज शेर डुगर, तो शेर डुगर के नाम से किसे जाना जाता है, जिस तरह से शेर कश्मीर, ठीक है ना, उसी तरह से शेर डुगर किसको जाना जाता है, किसका टाइटल है, ठीक है ना, गुलाब सिंह, हमजा मखदूम, पंडित प्रेमनाथ या नन ऑफ दीज। तो शेर डोगर जो है पंडित प्रेमनाथ को कहते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, वेनस, यूरेनस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे बी पार्ट, दैट मीन वेनस हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तीसरा चीफ जस्टिस आपको बताना है इनमें से कौन है, ठीक है ना। हरी सिंह, करण सिंह, मेहरचंद महाजन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, मेहरचंद महाजन, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मार्स, वेनस, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे एक्यूरेट आंसर क्या होगा, वेनस, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, गुलाब सिंह या नन ऑफ दीज। तो लास्ट महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो कौन था, हरी सिंह था, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन द स्टेट। तो आपको बताना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी किसके द्वारा बनाई गई इनमें से, ठीक है ना, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, अकबर या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो सोच समझ के आंसर करना, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, बाद में कमेंट बॉक्स में लास्ट में आंसर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर। देखिए अभी अभी मैंने कहा था, जब शेर डोगर मैंने आपसे कहा था उसी समय, शेर कश्मीर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को या शेख अब्दुल्ला को। तो यहां पे शेर कश्मीर की बात हो रही है, शेख अब्दुल्ला को जो है शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और महबूबा मुफ्ती जो है लास्ट सीएम रह चुकी है, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, और फर्स्ट फीमेल सीएम रह चुकी है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। और आपके लिए क्वेश्चन आपको बताना है कि जो यंगेस्ट, यहां पे ऑप्शन देखे मुझे याद आया, आपको बताना है कि यंगेस्ट जो है सीएम कौन रह चुका है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, कोरोना या नन ऑफ दीज, कोरोना या मरोना, ठीक है ना, याद रख लेना। एटमॉस्फेयर लेयर जब भी इस तरह से देखोगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, तो कोरोना या मरोना याद कर लेना। तो यहां पे कोरोना सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्टर ऑफ मॉडर्न कश्मीर, तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक, हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला या नन ऑफ दीज। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद यहां पे, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जहां पे क्या होता है, जहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है, गुजरात, ओडिशा, आसाम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आसाम, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ एंड टाइम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ये जो माय लाइफ एंड टाइम है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, करण सिंह, सईद मीर कासिम, अकबर या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट, दैट मीन सईद मीर कासिम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज लाल साहिब, ठीक है, लाल साहिब, लाल साहिब के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, जाफर अली, एम के गांधी, स्वामी लक्ष्मण या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सी पार्ट, दैट मीन स्वामी लक्ष्मण हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, तो इजी सा क्वेश्चन है ये, किसको पता नहीं होगा, सारे लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं, दैट मीन डी पार्ट, सेल हमारा राइट आंसर होगा। स्वागत है आप सब लोगों का जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल में, यहाँ पे आपको आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए सफलता का ज्ञान दिया जाता है। अगर आप भी अपने आने वाले परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हो और जिस ज्ञान की आवश्यकता आपको पड़ेगी उस ज्ञान की प्राप्ति पाना चाहते हो, तो जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी सब्सक्राइब करें जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, द एग ऑफ ए हैन इज ए, दो मुर्गी का अंडा क्या है, चलिए बताइए। यहां पे मुर्गी का अंडा क्या है, कि एक सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या नन ऑफ दीज।
तो यहां पे अगर मैं बात करूं मुर्गी के अंडे की, सॉरी मुर्गी का अंडा नहीं होता है, मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी के अंडे की अगर मैं बात करूं तो वो एक सेल कहलाएगी। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और यहां पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, बचपन में बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ करता है, और मतलब मेरे बचपन में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, तो मतलब इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई है। पहले मुर्गा आया, पहले अंडा आया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आज दोबारा से ये ट्रोलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ठीक है ना? तो देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये तो आपने याद रख लिया कि जो मुर्गी का अंडा है वो एक सेल है, लेकिन ये बताना कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना? ये नहीं, जो जो आंसर करेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम क्लियर करेंगे इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इज कॉल्ड। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को क्या कहा जाता है? पंपास, फील्ड, बूथ एंड बी या सवाना? तो डी पार्ट, दैट मीन सवाना हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी होप दैट फादर डैश डैश सून। तो यहाँ पे सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। वी होप दैट फादर विल कम सून, कम सून, वुड कम सून, इज कमिंग। तो यहां पे हमारा सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा? वी होप दैट फादर विल कम सून, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, वेट कीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नॉट मून। इनमें से वो कौन सा प्लैनेट है जहां जिसकी कोई भी मून नहीं है, ठीक है ना? तो मार्स, नेपच्यून, मर्करी या नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे मर्क्यूरी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ द रिजाइनेशन टू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अगर उसको अपना रिजिग्नेशन देना होगा तो वो किसके सामने अपना रिजिग्नेशन पेश करेगा? पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने करेगा, चीफ मिनिस्टर के सामने करेगा, ठीक है ना, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के सामने करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो उसे जो है किसके सामने पेश करना है अपने रिजिग्नेशन लेटर? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के सामने। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड या स्टार्टेड, आप कह सकते हो। तो कब ये स्टार्ट हुई है? 1940, 1850, 1942 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे 1942 सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, दैट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो यहां पे देखिए टाइम पीरियड आपको बताना है, 4 इयर्स, 8 इयर्स, 12 इयर्स या 5 इयर्स। तो डी पार्ट, दैट मीन 5 साल का, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो पकाई या पक्कू भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स इसे पक्कू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, आसाम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो डी पार्ट, जितने भी लोग कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इन 1921। देखिए यहां पे आपको बताना है, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना, जो स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद, ये कब दिया गया सबसे पहले? 1921 में, किसके द्वारा? देखिए आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहां पे अच्छी तरह से ऑप्शन की तरफ नजर डालो। यहां पे अगर आप सी पार्ट में देखोगे, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है ना, तो इसके द्वारा दरअसल ये जो इंकलाब जिंदाबाद है, ये नारा जो है दरअसल किसके किसके द्वारा दिया गया? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया है। रियल फाउंडर है इसके ये, ठीक है ना, इन्होंने ये स्लोगन दिया है, लेकिन पॉपुलराइज जो है ये स्लोगन भगत सिंह के द्वारा किया गया है। अगर मौलाना हसरत ऑप्शन में नहीं होते तो उस समय भगत सिंह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है इसे पॉपुलराइज किया गया है, लेकिन यहां पे मौलाना हसरत जो है ऑप्शन में है, तो इस वक्त भगत सिंह नहीं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट डाउन कर लेना, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेशन? एससी बोस, एमके गांधी, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, ठीक है ना, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पटना?
तो पटना का पुराना नाम आपसे पूछा गया है, मगधा, कनूज, पाटलिपुत्र या नन ऑफ दीज। तो मगधा का पुराना नाम क्या था? सी पार्ट, दैट मीन पाटलिपुत्र हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैड ही वर्कड हार्ड, ही डैश डैश पासड। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही विल हैव पासड, ही वुड पासड, ही वुड हैव पासड या नन ऑफ दीज। हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, हैड ही वर्कड हार्ड, ही वुड हैव पासड। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो आपको यह बताना है कि जो कैपिटल शिफ्ट की गई कहां से कहां, कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, तो कब की गई? 1910, 1922, 1912 या 1911। तो 1911 में की गई, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरपनस डिड नॉट नोन द यूज ऑफ। देखिए अगर आपने एंशियंट पार्ट देखा होगा हमारी कश्मीर सॉरी इंडियन हिस्ट्री का, जो मैंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे भी और जो ऑनलाइन एकेडमी पढ़ा रहे हैं वो तो इसे सही कर ही देंगे, जिन लोगों ने हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन की है। यहां पे देखिए हरप्पन्स, या आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इनमें से ये किसका यूज नहीं करते थे? ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड या आयरन। ठीक है ना, सोच समझ के आंसर करना है। तो यहां पे आयरन का यूज नहीं करते थे, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। हरप्पन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो सबसे अर्लीस्ट सिटी, पुरानी सिटी कौन सी इनमें से डिस्कवर की गई? रंगपुर, हरप्पा, मोहनजोदारो या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट हरप्पा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रेफर्स टी डैश डैश कॉफी। सेंटेंस को कंप्लीट करें, ही रेफर्स टी इन टू कॉफी, इन कॉफी, टू कॉफी, फ्रॉम कॉफी। देखिए हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली पीपल हैज ट्रेड रिलेशन विथ। यहां पे देखिए अगर आपको यहां पे ऑप्शन की तरफ नजर डालोगे तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा यहां पे ट्रेड रिलेशन किसके साथ थी? इंडस वैली पीपल की। यहां पे अगर हम सी ऑप्शन की तरफ नजर डालें, दैट मीन मेसोपोटामिया, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया इज अ फेम डांस ऑफ गुजरात। क्या स्टेटमेंट सही है? डांडिया फेमस डांस है गुजरात का कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? गोल्फ, चेस, फुटबॉल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट गोल्फ हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो सेंट्रल एक्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जैन, 22 मार्च, 24 फेब या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट 24 फेब हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए फॉन्ड ऑफ तिलावत। तो यहां पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा? आई एम ए फॉन्ड ऑफ तिलावत, फ्रॉम तिलावत, ऑफ तिलावत, इन टू तिलावत या ओ डबल एफ तिलावत। तो यहां पे देखिए हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, आई एम ए फॉन्ड ऑफ ऑफ होगा, ठीक है ना, इस तरह से। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज बॉर्न डैश डैश 1869। चलो यहां पे डीओबी भी काम आ गई, यहां पे ये नोट डाउन कर लेना, आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो यहां पे सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, इन टू, ऑन, एट या इन। तो सीधी सी बात है, गांधी जी वॉज बॉर्न इन, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो इज ऑल्सो कॉल्ड। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? पैरट ऑफ इंडिया, स्पैरो ऑफ इंडिया, तोताई हिंद, बोथ ए एंड सी। तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बोथ ए एंड सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहद से वापसी ए प्ले स्क्रिप्ट इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस प्ले स्क्रिप्ट की जिसका नाम है सरहद से वापसी, तो ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? SS आनंद लहर, ज्ञान सिंह, बदन सिंह या पाल सिंह। तो अगर मैं बात करूं इस सरहद से वापसी प्ले स्क्रिप्ट की, तो ये जो है SSC आनंद लहर के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है? यहां पे दरअसल देखिए माउस की आपसे स्पेलिंग पूछी गई है, MOSE, MOUSE, MAOUSE, MEOUSE। तो यहां पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन, तो टेरेन का युद्ध कब लड़ा गया, 1181 में, 1791 में, 1191 में या नन ऑफ दीज। तो 1191 में टेरेन का युद्ध लड़ा गया, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश डैश स्टेशन, बिफोर आई रीच स्टेशन, बिफोर आई रीच स्टेशन, बिफोर आई रीच स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क बिकम सेवंथ नेशनल पार्क विच ऑफ विच स्टेट। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना, देखिए ऑप्शन चार है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, सेवंथ नेशनल पार्क बनी है आसाम की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, इनमें से उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नंदकुट पीक, त्रिशूल पीक, नंदा देवी पीक या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट नंदा देवी पीक जो भी कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या चैडविक। तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवेस्ट रे, इनमें से हेवेस्ट रे कौन सी है, गामा रे, एक्स रे, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हेवेस्ट रे की बात हो रही है, दैट इज गामा रे, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू द बोन, तो बोन को स्ट्रेंथ इनमें से किस विटामिन से मिलती है, बोन उसको, हड्डियों को, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे विटामिन डी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो 64 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज, तो किसका यूज किया जाता है, टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, दैट मीन बी पार्ट जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, किसके द्वारा जो है, किसे अथॉरिटी दी गई कि वो जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट या ऑल ऑफ दीज। तो ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन क्या है, क्या ये एंजाइम है, क्या ये बोन है, क्या ये हार्मोन है या इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन क्या है, ये हार्मोन है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सीएम के द्वारा, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज। तो ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी डांस इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट, तो इसका संबंध जो है मणिपुरी डांस का किस स्टेट से है, मेघालय, मिजोरम, आसाम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं मणिपुर डांस की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, मणिपुर के साथ है, ठीक है ना, मणिपुर, तो नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ही ऑलवेज डैश टू ओपन टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहां पे सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा, ही ऑलवेज ट्राइज, ठीक है ना, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, प्रोटीन की मात्र सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगी, एग, कैरेट, सोयाबीन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट सोयाबीन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड वेव्स किन में से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वाटर, स्टील, वैक्यूम या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट, दैट मीन वैक्यूम जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन अप टू विच एज आर एलिजिबल फॉर द तबिंदा गनी स्टेट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, तो ये जो अवार्ड है इसमें आपको बताना है कि
कितने साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 14 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर्स या 16 ईयर्स। तो 16 ईयर्स डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज मिखिर हिल लोकेटेड। ये जो मिखिर हिल है इसकी लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पे है, ठीक है ना। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या आसाम। तो यहां पे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो इससे भी जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए, इससे आपकी एबिलिटी चेक होगी। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। लास्ट में जो भी मैंने कमेंट मतलब होमवर्क रखा है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास डैश डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। विकास वाज वाचिंग टीवी, विकास वाच टीवी, विकास वाच टीवी या नन ऑफ दिस। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, विकास वाज वाचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर अराइव व्हेन हिज ब्रदर केम। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, नेताजी एससी बोस बर्थ एनिवर्सरी इज ऑन। तो कब है इसकी बर्थ एनिवर्सरी, नेताजी एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो 23 जैन, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 मार्च, 17 अक्टूबर, 27 सितंबर या नन ऑफ दीज। तो जिनका भी ट्रैवल टूरिज्म यहाँ पे सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे आंसर करना है, या जिनका टूरिज्म सब्जेक्ट है वो उनका आंसर होना चाहिए। सी पार्ट 27 सितंबर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो जो सत्रिया क्लासिकल डांस है इसका संबंध किस स्टेट के साथ है, केरला, आसाम, ओडिशा या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट आसाम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराजा रिलेटेड टू विच डांस। तो जो पंडित बिरजू महाराजा है इसका संबंध किस डांस के साथ है, कथक, कथकली, गरबा या नन ऑफ दीज। तो इसका संबंध कथक के साथ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच सपोर्ट। तो इसका संबंध किसके साथ है, सुल्तान अजलान शाह कप का, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या नन ऑफ दीज। तो हॉकी, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द मदर बोर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे मैंने कहा ना कि मुझे पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है, मैं फास्ट फास्ट जब पढ़ने लगता हूं तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न, ठीक है ना, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा माउंटेन है जिसकी लोकेशन कहाँ पे नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है ना, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो हिमालय, सतपुरा, अरावली या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट जो भी कह रहे हैं, अरावली जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, नहीं, सॉरी, अरावली कहाँ पे आ गया, मैं तो इस साइड आता है, हिमालय, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, विच कंट्री हैज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। आपको बताना है कि इनमें से जो है सबसे ज्यादा मात्र में कोल कहां पे प्रोड्यूस होता है, जो कि नंबर वन पे माना जाता है, ठीक है ना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए। तो यहां पे चाइना, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की हाइस्ट माउंटेन रेंज कौन है इनमें से, लद्दाख, पीर जस्कर, काराकोरम या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट काराकोरम रेंज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। यहां पे आपको बताना है कि डायमंड जो है सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, कर्नाटका, आसाम, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अनंतागिरी हिल लोकेटेड। ये जो अनंतागिरी हिल है इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना या नन ऑफ दीज। तो तेलंगाना सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो इंडिया की ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आपसे पूछी गई है, मानस नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज पे नहीं जाना है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हेली नेशनल पार्क, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द हेड मास्टर एंटर, हाँ यहां पे देखिए सेंटेंस आपको दिया गया, सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, व्हेन द हेड मास्टर एंटर द क्लास, स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड।
तो वो क्या कर रहा था, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा था, लिख रहा था। चलिए इसी को आप इंग्लिश करना है, इज राइटिंग, वाज राइटिंग, रोट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर वाज राइटिंग, ठीक है ना। व्हेन द हेडमास्टर एंटर द क्लासरूम, ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अगर आपने टेनिस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चन सही कर दिया होगा। इसके बाद यहां पे देखिए रिलेशन को पहचानना है, हीमोग्लोबिन ब्लड क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन का संबंध किसके साथ है, रक्त के साथ है, खून के साथ है, ब्लड के साथ है। क्लोरोफिल का संबंध किसके साथ है, लीफ, आरबीसी, लिवर या नन ऑफ दिस। क्लोरोफिल इसका संबंध लीफ के साथ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88, 14916। यहां पे सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, जरा सीरीज को अच्छी तरह से देखें, गौर से देखें। देखिए यहां पे पहले वन लिखा गया है, उसके बाद फोर लिखा गया है, उसके बाद नाइन, उसके बाद सिक्सटीन। अगर यहां पे हम बात करें, वन लिखा गया है और इसी का स्क्वायर किया गया है, वो वन ही आएगा। फिर टू इसका स्क्वायर, फोर, थ्री इसका स्क्वायर, नाइन, फोर इसका स्क्वायर, सिक्सटीन। इसके बाद क्या आएगा, फाइव इसका स्क्वायर, 25। तो यहां पे क्या आएगा, 25 आएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं है, दैट मीन नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 0.6, 9.6 एंड 3.6 है, या 0.36, नहीं 3.6 लिख लो, ठीक है ना, 3.6 या 0.36 लिख लो इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका आप मुझे क्या बताओगे, इसका आप मुझे कमेंट में आप मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, गुलाब सिंह वाज डिक्लेयर एज द राज ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह इन विच ईयर। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, गुलाब सिंह को जो है राजा डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा। कब, 1856, 1835, 1860 या 1822। तो जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाई है, अगर आपने अच्छी तरह से क्लास अटेंड किए होंगे कंसेंट्रेशन के साथ, ठीक है ना, तो आप इसका आंसर अच्छी तरह से कर पाओगे। इसका आंसर क्या आएगा, 1822, दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। तो जो वैकेंसी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में देखने को मिलती है, तो उनको कितने समय में फिल किया जाता है, 12 months, 6 months, 3 months या नन ऑफ दीज। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पे इसका राइट आंसर 6 months होगा, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर, आपको बताना कि टोटल कितनी डायरेक्शंस देखने को मिलती है। आपने सुना होगा डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कितनी है, यहां पे चार नहीं है, चार नहीं है, बिल्कुल गलत है, यहां पे आठ है। क्योंकि देखिए नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, केवल आठ प्रकार के डायरेक्शंस है। जो पहली टाइप की डायरेक्शन उनको कहते हैं मैन डायरेक्शन, ठीक है ना, मैन डायरेक्शन, दैट मीन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको कहते हैं मैन डायरेक्शन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ना सब डायरेक्शंस की, ठीक है ना, जो सब डायरेक्शन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इनको कहते हैं सब डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लेना, कभी कभार आपके काम आ सकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो यहां पे दरअसल यहां पे देखिए जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली लगेगा सी पार्ट यहां पे करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94, इफ 2 + 20, 1 - 2, देन ये क्वेश्चन यहां पे क्या मैंने इंक्लूड किया है, नहीं देखिए दरअसल क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए यहां पे क्वेश्चन इस तरह से है, इफ 2 + 2 इज इक्वल टू 0, 1 - 2 इज इक्वल टू 3। समझना क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से है, इफ 2 + 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है,
वन माइनस टू किसके बराबर है, थ्री के बराबर है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे समझिए, जब टू प्लस टू जीरो के बराबर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, ये जो यहां पे प्लस का साइन दिया गया है इसका मतलब है माइनस, और वन माइनस टू किसके बराबर दिया गया है, थ्री के बराबर दिया है, इसका मतलब ये जो माइनस प्लस माइनस साइन है इसका मतलब है प्लस। तो यही अब इसके साथ आपको करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, टू प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री, तो जहां पे प्लस है वहां पे आपको माइनस पुट करना है, जहां पे माइनस है वहां पे आपको प्लस पुट करना है, दैट मीन टू माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वाला प्लस है, ये भी वाला प्लस है, दैट मीन थ्री आएगा, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिक्स आएगा, तो यहां पे माइनस थ्री हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, नन ऑफ दिस, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 10 टू द 50% ऑफ 100 देन ऐड 5, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट। देखिए, जो 50% है 100 का वो आपको बताना है, उसमें अगर आप 100 उसमें अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए सबसे पहले आपको 100 का 50% निकालना है, 50% निकालना है, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट 10 करना है, और फिर उसी में आपको ऐड 5 करना है, आपको बताना है कि आपका वैल्यू क्या आएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग इसे इस तरह से करेंगे, जो बेसिक वाले होंगे वो इसको इस तरह से करेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे, यहां पे 50 आएगा, फिर करेंगे प्लस 10 माइनस 5, दैट मीन 55 उन लोगों का आंसर आएगा, और वो यहां पे नन ऑफ दिस टिक करेंगे। लेकिन जिन लोगों की प्रैक्टिस होगी, जिन लोगों का एक्सपीरियंस होगा, वो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो समझ गए होंगे, सीधे सीधी सी बात है, 100 का 50% कितना है, 50 है, वो माइंड में ही करेंगे, 50 में जब 10 ऐड करेंगे 60 उसमें से सॉरी यहां पे सबट्रैक्ट करना है, मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूजन में आ गया, वेट करो। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जो बेसिक वाले होंगे, बेसिक वाले क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ठीक है ना, तो यहां पे 50 आएगा, इसमें से सबट्रैक्ट करना है 10, उसमें से प्लस करना है 5, दैट मीन यहां पे 45 हमारा राइट आंसर आएगा। लेकिन जो समझदार होंगे वो क्या करेंगे, वो माइंड में ही करेंगे, यहां पे 50, 100 का 50% 50 ही आएगा, उसमें से 10 माइनस करेंगे 40 आएगा, 45 आएगा, दैट मीन सब लोगों को ये पता होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बेसिक वाले होंगे वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 100 का 50% है, दैट मीन 50%, 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो वो कितना आएगा, वो 50 आएगा, इसी 50 में आपको माइनस 10 करने है, वहां पे 40 आएगा, फिर प्लस 5 करने है, दैट मीन 45 आप लोगों का आंसर आएगा। और इसी के साथ हमारी पूरी क्लास एंड होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करना, यहां पे आपको बताता चलूं कि ये जो आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं 100 मार्क्स के, पहले इनको टाइप करना पड़ता है, खुद से टाइप करना पड़ता है, उसके बाद लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, इस पे लेक्चर देना पड़ता है, एक घंटे की वीडियो बनती है, उसके बाद उस एक घंटे की वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करना, तो इतनी मेहनत की जाती है। तो प्लीज एंड प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मतलब जेकेपी स्मार्ट के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करें, ये जो चैनल है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो वीडियोस है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो इंशाल्लाह यहां पे बॉर्डर बटाल के एस्पिरेंट्स के लिए भी मॉक टेस्ट आएंगे, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मेरी तरफ से बेस्ट दिया जाएगा, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। यहां पे आपको बताते चलो, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता नहीं है, यहां पे अग्निवीर की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, यहां पे उसके क्लासेस चल रहे हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, और इसी तरह के ढेर सारे पेपर्स पड़े हैं 100 मार्क्स के, जिनमें मैथमेटिक्स रीजनिंग सारा का सारा अच्छी तरह से है। अगर आप अपने आप को परखना चाहते हो, अगर आप नए हो, आपको पता नहीं है, तो आप जो है इसी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको मॉडल पेपर्स, ठीक है, मॉडल पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप बाकी के बहुत सारे पेपर्स है, अप्रोक्सीमेटली 15-16 के आसपास वहां पे 100 मार्क्स के मॉडल पेपर्स है, वो देख लेना, उससे आप अपने आपको परख सकते हो, अपने जो आपने जो प्रिपरेशन की है उसे चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ वहां पे और भी बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे, उनको अच्छी तरह से देख लेना, और ताकि आप जो है अपने आपको अच्छी तरह से
रख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और अगर आप बाकी के पेपर्स देखना चाहते हो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शो हो